हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन। सो गाइस, बात करने जा रहे हैं यूपी टेट 2020 और ओएमआर सीट के बारे में। तो 2020 में ओएमआर सीट यूपी टेट की कैसे भरेंगे, या वो पूरा का पूरा हम बताएंगे दोनों पेपरों की, और दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पेपर में क्या अंतर रहेगा वो चीज़ हम सारी की सारी बता देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की, और सेकेंड पेपर के बाद में ये स्टूडेंट कॉपी थी, तो ये कॉपी एक आपको मिलेगी और दो कॉपी आपकी जमा हो जाएगी, ओरिजिनल और इसकी एक फ़ोटो कॉपी। किस तरीके से फिलअप करना होता है, कोई गलती ना हो। पिछली बार बहुत ज़्यादा रिजल्ट इनवैलिड आए थे, जिससे कि 68,500 भर्ती में 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ नहीं पाए थे लोग। तो इस बार कोई गलती ना हो ऐसी, तो इसके उद्देश्य को बना रहा हूँ वीडियो, जिससे सभी लोगों को प्रॉब्लम ना हो और फ़ायदा हो सके, किसी का भी इनवैलिड केस नहीं आए। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने प्रवेश पत्र में देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट। सबसे पहले जो बॉक्स हैं, इन बॉक्सों में आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लीजिएगा। अंक लिख लेंगे 43192 इस तरीके वाले। लिखने के बाद में फिर सिंपल करना क्या है आपको, कि जैसे 4 बार आए तो 4 वाली रो में आप 4 पर टिक कर एक पॉइंट लगा दीजिए, 3 वाले पे, फिर 1 वाले पे, फिर 9 वाले पे, फिर 2 वाले पे। लगाने के बाद में एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में फिलअप करिए। अगर आपने गोला फिल कर दिया और उसके बाद में आपको लगा कि ये मुझे बबल्स नहीं भरना था, दूसरा बबल्स भरना था, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका जो रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस चीज़ से बहुत ही बच के रहें, और दोबारा कोई ओएमआर सीट नहीं मिलेगी। पीएनपी ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि दिशा निर्देशानुसार ही आप ओएमआर सीट को भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपको कैंसिल मान लिया जाएगा। इस तरीके से सेम कंडीशन रहेगी रोल नंबर, वो रोल नंबर प्रवेश पत्र में देख लीजिएगा। रोल नंबर भरने के बाद में सिंपल एक पॉइंट लगा लीजिएगा उस बबल्स पर, और उसके बाद में जब सभी सही हों तो उसके बाद में पूरे को फिलअप कर दीजिएगा। और भरने के बाद में एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद में कुछ सेकंडों का ब्रेक दीजिएगा, उस ओएमआर सीट से अपनी निगाहों को अलग कर रखना, फिर दोबारा से भरना, क्योंकि अगर लगातार भरते रहोगे तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, और ही हैं स्टूडेंटों से, तो इसलिए आप गलती ना हो। नेक्स्ट आएगा आपका बुकलेट सीरीज, जो आपके क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें बुकलेट सीरीज होगा, ए बी सी में कोई भी हो, तो उस वाले जैसे बी सी सी सीरीज आया तो सी वाले पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर बबल्स को फिल कर देंगे। अटेम्प्ट लैंग्वेज में जब सेकंड पेपर है कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत क्या लिया है, आपने अगर संस्कृत लिया है संस्कृत पे करना है, इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश वाले पे गोला फिल करना है और बबल्स फिल करना है, और उर्दू वाले पे तो उर्दू वाले पे फिल करना है। तो मोस्टली लोग इंग्लिश संस्कृत लेते हैं, तो इंग्लिश के लिए पहले वाले पर और संस्कृत वाले पर यहाँ पर लिखा हुआ हुआ। अगर और दूसरी बात सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें दो पोर्शन होते हैं, साइंस वर्ग, आर्ट्स वर्ग। जिनका ग्रेजुएशन में आर्ट्स वर्ग है तो वो सोशल स्टडी सेकंड नीचे वाला वर्ग है, जिन पे पास में मैथ है या साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो मैथ और साइंस वाले को टिक करेंगे। और बाकी आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 30-30 क्वेश्चन करके डिवाइडेशन 5 पोर्शन में आएगा पेपर, तो उस तरीके से अपना भर लीजिएगा, 30-30 क्वेश्चनों को भरते जाइएगा, जिससे कि लास्ट में एकदम प्रेशर ना हो और क्वेश्चन आते हुए भी आपके छूटे ना। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैंडिडेट नेम होगा। कैंडिडेट नेम में आपको क्या करना है, सिंपल है, इसके सामने आपको एक नाम भर देना है कि जो कोई भी हो यहाँ पर, तो आप सिंपल है कि अपना नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही भरना है, और ब्लैक पेन का ही यूज करें आप, ब्लू पेन का यूज ना करें। तो यहाँ पर अपना जो भी नाम है वो आप नाम यहाँ पर भर दीजिएगा। नाम भरने के बाद में यहाँ पर फादर से हस्बैंड नेम आएगा, जो भी महिलाएँ हैं तो अपने हस्बैंड का नाम भरेंगी यहाँ पर, और जो अनमैरिड हैं वो सभी अपने फादर्स का नाम भर देंगे, और बॉयज़ तो सभी हमेशा फादर्स का नेम भरेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद में आप यहाँ पर मदर्स नेम आता है, तो यहाँ पर आप मदर्स नेम भर सकते हैं। मदर्स नेम के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो कैटागरी आएगी, उसके बाद में सेंटर नेम। सेंटर नेम में कुछ नहीं करना, जो भी आपके एडमिट कार्ड पर जो सेंटर नेम दे रखा है उसी सेंटर नेम को भर दीजिएगा, जो का तो उसमें कैपिटल लेटर में रख दीजिएगा। इसके बाद में कैटागरी आएगी, कैटागरी ओबीसी है, जनरल है, जो भी है वो आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद में डिक्लेरेशन वाला नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है स्टूडेंट के सिग्नेचर का, तो यहाँ पर अपना वेरीफाई सिग्नेचर मार देना है। और उसके बाद में अटैम्प्ट टू क्वेश्चन की बात आती है, और यहाँ पर जो आपके पर कक्ष निरीक्षक होगा वो वहाँ पर अपने साइन करेगा। ये साइन कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ये आपकी कॉपी जो वैलिड मानी जाए। उसके बाद में लास्ट जो ऑप्शन रहता है वो रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट में कितने करने क्वेश्चंस आपको, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 150 भर देना पूरे के पूरे, क्योंकि सारे क्वेश्चन करके आने जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पर भी 150 भर देना उससे, और वहाँ पर शब्दों में यहाँ पर अंकों में भर देना सबसे पहले। अब उसके बाद में अपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है,
अब ये रही सेकंड पेपर की OMR शीट। अब तो उसके बाद हम तुरंत देखते हैं हम फर्स्ट फर्स्ट वाली में। तो फर्स्ट वाली में क्या रहेगा कि जो ये पोर्शन आ रहा है ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा और बाकी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, भरने का प्रोसेस यही रहेगा। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि सभी लोगों को ये सूचना पहुँच पाए और कोई भी टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं कि वीडियो कैसी रही, आपको हेल्पफुल रही कि नहीं रही। तो कमेंट बॉक्स जरूर करके दिखाएं, लाइक शेयर करना है और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इनवैलिड रिजल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।